एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तुम गए नहीं अब तक? तुम्हारा कैबिन कहाँ है? अरे उसको देखो। ओ क्या क्या, तुमने फोन क्यों नहीं उठा? अरे मेरे तो बहुत अच्छा लगा। चलो 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 देखते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? शायद मैं इतने सालों तक सिंगल रही हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। बहुत सालों से किसी ने ऐसे पैम्पर नहीं किया। तुम्हारे शूज कहाँ पर हैं? मुझे लगता है तुम्हें हील्स की जगह शूज पहनने शुरू कर देने चाहिए। ओके। थैंक यू। मैं मॉम की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आज सही वक्त पे यहाँ आ गई थी, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। तुम जाओगी? तुम्हारे बाद। मैं आज ही घर जाके मॉम से बात करूंगा। तुम्हें कुछ और कहना है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, पर हम इस बारे में घर में जाकर बात करेंगे। हाँ ठीक है। अभी रात के 11 बज चुके हैं। लाइफ बहुत छोटी होती है और वक्त बहुत कम है। हमारा शरीर बहुत ही नाजुक होता है। ये इस दुनिया का एकमात्र ऐसा जहाज है जिसमें आत्मा को रखा जा सकता है। हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, वरना ईश्वर के बनाए शरीर को हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तुम नशे में हो? मैं मुझे अभी काम करना है। अभी कुछ नहीं करना है। अरे पर मुझे नहीं सोना है। नहीं तुम्हें सोना है। नहीं सोना है बाबा। चलो चल के सो जाओ। पर मैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे सुंदरता का मतलब पता चला था। ईश्वर ने तुम्हें काफी फुर्सत से बनाया होगा। काली घनी रात में फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही हैं। ऐसे में बारिश के आने से मौसम मदहोश बन जाता है। गुड नाइट मेरा बच्चा। मैंने एक मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवाया था। वहां से मुझे एक शादीशुदा आदमी रेकमेंड किया गया था, पर अभी मुद्दा वो नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी के बारे में कैसे नहीं पता, और तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों गए थे? मेरे दिमाग में तो बहुत सारे जवाब है, पर वो अनफॉर्चुनेटली मिस किन के हित में नहीं है। मुझ पर उसका एक एहसान है, इसलिए मैं उसका नकाब नहीं उतारूंगी। आपको ये मिस्किन को मनाना पड़ेगा। थोड़ा झुकने में कोई नुकसान नहीं है, और अब जब बात कंपनी की हित की हो तो मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। जेम्स यांग, चाहे यांग हुआ की मां तुमसे कितना भी नफरत करती हो,
पर वो इतनी भी पागल नहीं है कि अपने बेटे का नाम बिना बताए उसे डेटिंग साइट पर लिखवा देगी। तुम दोनों हमेशा से एक दूसरे से दूर रहे हो, साल में बस एक आध बार मिलते होगे तुम लोग। क्या वजह है? तुमने अपने आने की खबर अपनी वाइफ को क्यों नहीं दी थी? तुम्हें चाइना से वापस आने के बाद सबसे पहले अपने वाइफ से नहीं मिलना चाहिए था? इसलिए मुझे शक है कि तुम लोग अपनी शादी के बारे में कुछ छुपा रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम दोनों की शादी ही नहीं हुई है। उसके लिए शायद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है। मॉम यहां ना चाहती हैं। तुम्हारी माँ यहाँ क्यों आना चाहती है? लेकिन उन्हें तो हम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था ना, और फिर वो तो अब तुम्हें शादी के लिए फोर्स भी नहीं कर रही। हाँ, और मैंने उन्हें कहा कि मैं वापस नहीं आना चाहता क्योंकि मुझे आजादी चाहिए। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तो उन्हें यहाँ क्यों आना है? क्योंकि मैंने उन्हें सच नहीं बताया है। मॉम, मैं चाय बना के लाता हूँ। पर साफ सफाई का सारा काम तुम क्यों करते हो? ये तो दोनों को मिलकर करना चाहिए ना। हाँ, झगड़े यही से शुरू होते हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला ना? हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकती। मॉम, झूठा मैंने क्या झूठ बोला? मॉम, मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ, पर मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या करना है वो तुम देख लो। शादी से पहले अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, फिर मेरे पास मत आना। ये आप क्या बोल रही हैं मॉम? वैसे मतलब क्या है आपका? अरे मिस्किन आप, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आपका भी हॉटपॉट का प्लान है? सॉरी मिस्किन, दरअसल मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि जून हुई मेरा फियांसे है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि तुम्हें अपने सारे रिश्तों के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि अब मिस्टर ताओ तुम्हारे फियांसे हैं, तो जी में पीआर के ओनर कौन है? वो मेरे पापा हैं। मिसू, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। मिस्किन, कंपनी में इस बारे में प्लीज किसी को मत बताना। इतना अच्छा फियांसे मिला है तो सबसे छुपाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है, इसकी वजह मेरे पापा हैं। प्लीज किसी को मत बताना। मैडम टैंग को भी ना बताओ। मैं तुम्हारी जगह होती तो इस बात को चीख चीख कर सबको बताती। इससे हमारी इंप्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को आपके फैमिली बैकग्राउंड में दिलचस्पी होती है ना मिस्टर ताओ?